नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर हिंदू आबादी 80% है। इसी कारण से भारत के अंदर हिंदुओं को बहुसंख्यक कहा जाता है। लेकिन सच कहा जाए तो भारत का बहुसंख्यक हिंदू पूरी तरह से कायर माना जाता है। और भारत का हिंदू एक ऐसा हिंदू है जो कि आज के समय में पूरी तरह से सो चुका है। दोस्तों, आज भारत के अंदर भारत में बैठे कुछ ऐसे नेता है जो कि भारत के हिंदुओं को बार बार अपमानित करते रहते हैं। अभी हाल ही में भारत की एक बहुत बड़ी पार्टी के नेता ने इस बात को कहा है कि हिंदू तो हिंसक होता है, लेकिन क्या वास्तविक तौर पर हिंदू हिंसक है? और क्या अगर सचमुच हिंदू हिंसक हो जाए तो भारत का भविष्य कैसा होगा? दोस्तों, आप सब लोगों ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का नाम जरूर सुना होगा। हिंदुत्व में बाला साहब ठाकरे एक ऐसा नाम है जिन्हें आदिकाल तक भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व के लिए जो कार्य किया है उस कार्य को कोई भी हिंदू नज़रअंदाज नहीं कर सकता। बाला साहब ठाकरे भारतीय राजनीति में एक ऐसा नाम है जो कि किंग बनने से ज़्यादा किंग मेकर बनना पसंद करते थे। दोस्तों, बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की और पूरे भारत को इस बात का एहसास दिलाया कि भारत के अंदर हिंदुओं के लिए पार्टी होनी चाहिए। भारत के अंदर कोई ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो कि खुल करके हिंदू और हिंदुओं के हित की बात करे। और बाला साहब ने अपने जीवन में हिंदू और हिंदुत्व की बात की, चाहे वो बाबरी मस्जिद हो या फिर महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिमों के बढ़ते जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना। बाला साहब ठाकरे ने हमेशा हिंदुत्व की बात की। दोस्तों, बाला साहब एक ऐसे एग्रेसिव हिंदू थे जिन्होंने पूरे भारत की पार्टियों को इतना जोरदार तमाचा मारा कि कोई भी व्यक्ति महाराष्ट्र के अंदर हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकता था। बाला साहब ठाकरे से एक बार इंटरव्यू के दौरान इस बात को पूछा गया था कि आप कैसे हिंदू हैं, तब बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि आई एम ए मैड 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 हिंदू। दोस्तों, अगर भारत के हर राज्य में सिर्फ बाला साहब ठाकरे जैसा एक हिंदू जन्म ले ले और राज्य की सत्ता और साथ ही साथ केंद्र की सत्ता को कंट्रोल करने की पावर रखे, तो विश्वास मानिए पूरे भारत के अंदर कोई भी ना ही तो ऐसी पार्टी होगी और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि भारत में हिंदुओं की दुर्दशा कर सके और भारत में हिंदुओं का अपमान कर सके। दोस्तों, बाला साहब एक ऐसे कट्टर हिंदू थे जिनकी वाणी में इतनी हिंसा थी कि उनके एक बार बोलने मात्र से पूरा महाराष्ट्र बंद हो जाता था। अगर भारत के हर राज्य में बाला साहब ठाकरे जैसा एक हिंसक हिंदू जन्म ले ले और बाला साहब के आदर्शों पर चलने लगे, तो विश्वास मानिए पूरी दुनिया के अंदर कोई सी भी ऐसी शक्ति नहीं होगी जो कि भारत को पीछे कर सके या फिर भारत को आंखें दिखा सके। दोस्तों, आज के समय की ये मांग है कि हिंदुओं को हिंसक होना पड़ेगा, हिंदुओं को भी ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। अगर कोई हिंदू के देवी देवता या फिर उनके धर्म के बारे में कुछ कहता है तब हिंदुओं को भी हिंसक होना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर हिंसा का मतलब सिर्फ मारपीट नहीं है, बल्कि यहाँ पर हिंसा का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू को बात से जवाब देता है और बात से प्रतिघात करने की कोशिश करता है तब हिंदुओं को भी करारे तौर पर उसका जवाब देना चाहिए। और कोई हिंदुओं के ऊपर अगर शस्त्र से हमला करता है तब हिंदुओं को भी शस्त्र से जवाब देना चाहिए, क्योंकि आत्मरक्षा का अधिकार तो हमें संविधान भी देता है। इसीलिए आज समय की मांग है कि हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए और अपने धर्म को बचाने के लिए हिंसक होना पड़ेगा।